अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर कंजास्कर और आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी कॉमन इशू, अ मेडिकल इशू जो कि हर फिफ्थ से सेवन्थ फीमेल जो कि आ रही है, शी इज बीइंग डायग्नोज्ड बाय दैट मेडिकल इशू नोन एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इन पाकिस्तान 33% ऑफ द फीमेल्स आर बीइंग डायग्नोज्ड हैविंग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। होता क्या है PCOS? PCOS इज अ कंडीशन विच इज अफेक्टिंग आवर ओवरीज एंड ओव्यूलेशन। ठीक है, क्या होता है कि इसमें हमारी ओवरीज बहुत साइज में बढ़ जाती हैं, इनलार्ज हो जाती हैं और उसके एज पे हमारे पास स्मॉल स्मॉल सिस्ट बन जाती हैं। तो जब हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं तो वो नेकलेस टाइप अपेयरेंस देती है हमारी ओवरीज। क्यों होता है कि जो फीमेल में हमारे पास फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं वो इम्बेलेंस हो जाते हैं इस कंडीशन में, और फीमेल की बॉडी में मेल हार्मोन का लेवल बहुत बढ़ जाता है जो कि एंड्रोजन होते हैं। नॉर्मली जो फीमेल की ओवरीज होती हैं वो एंड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में करती हैं, लेकिन इस डिजीज़ में, इस सिंड्रोम में हमारी वो ओवरीज बहुत ज़्यादा एंड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं बॉडी में। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं, ओवरीज में हमारे पास सिस्ट बन जाएंगी क्योंकि जो हमारा एग है वो मेच्योर ही नहीं होगा इतना इनफ कि वो ट्रिगर कर सके ओव्यूलेशन को और वो अपने उस सैक से रप्चर हो के बाहर निकल सके, क्योंकि वो मेच्योर ही नहीं होता, वो उसी सैक में ही रह जाता है और सिस्ट बना देता है वहाँ पे। तो एक तो ओवरीज में सिस्ट की फॉर्मेशन होगी, दूसरा हमारे पास मेल एंड्रोजन हार्मोन फीमेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से आगे जो सिम्टम्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, और तीसरा हमारे पास मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ गई, जो फीमेल हैं वो कंप्लेन करती हैं स्किप्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उनको पीरियड सही नहीं आ रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं, और जब 6-6 महीने इतने टाइम तक नहीं आएंगे तो जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत सीवियर पेन के साथ आते हैं। अब चलते हैं उस पॉइंट की तरफ कि ये जो हार्मोनल चेंजेस एक फीमेल बॉडी में हो रही हैं ड्यूरिंग द PCOS, ये बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट करती हैं, इनके बॉडी के ऊपर क्या असरात होते हैं उस फीमेल पे। नंबर वन, एक तो ये इनफर्टिलिटी को प्रमोट करेंगी कि ऐसी फीमेल जिनको PCOS होता है वो डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए टू कंसीव, ये नहीं कि वो बिल्कुल कंसीव ही नहीं कर सकती, दे कैन गेट प्रेग्नेंट विद अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेकिन मुश्किल से होती। दूसरा, दीज फीमेल्स कैन हैव टाइप 2 डायबिटीज माइलाइटिस। ठीक है, डायबिटिक हो सकती हैं, रिस्क ऑफ डायबिटीज टाइप 2 ये इन फीमेल में इंक्रीज रिस्क होता है इस चीज़ का। तीसरा, PCOS फीमेल्स हैव ग्रेटर चांसेस टू हैव हार्ट डिजीज इन फ्यूचर, हार्ट डिजीजेज उनके अंदर ज़्यादा होने के चांसेज हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मिकदार पाई जाती है ऐसी फीमेल्स में, और लास्ट जो ख़वातीन जिनको PCOS है उनके अंदर एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर ये बिल्कुल भी ट्रीट ना किया जाए और ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो। अब चलते हैं कॉजेज की तरफ, ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक फीमेल में होता है। इसकी एग्जैक्ट कॉज आज तक नहीं पता चली कि व्हाट इज इट्स एग्जैक्ट कॉज, बट देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो कि इसको ट्रिगर करती हैं, जो कि इसके वजूहात मानी जाती हैं। एक तो हमारे पास ओबेसिटी होगी, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो दिस कैन बी अ कॉज और कॉज ऑफ PCOS। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज माइलाइटिस और फिर वो इन फ्यूचर हार्ट डिजीजेस को भी प्रोवोक करवा सकते हैं। तीसरा, आपके जीन्स में, फैमिली में अगर रन कर रही है ये चीज़ तो ऑब्वियसली यू कैन फेस दिस सिंड्रोम। चौथा, इफ़ यू आर हैविंग लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, दीज आर द कॉजेज जो कि PCOS करवाती हैं। इसके अलावा आप चलते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ PCOS, क्या क्या फीमेल की बॉडी फेस करेगी जब उसको ये सिंड्रोम होगा। नंबर वन, एक तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होंगी, ठीक है, जो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो रेगुलर नहीं होगा, या तो पीरियड्स आएंगे ही नहीं और जब आएंगे तो बहुत थोड़े आएंगे, या फिर अगर काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ हो गए और बहुत सीवियर पेन भी करवाते हैं बल्कि। दूसरा, इसके अलावा फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ हो सकती है, फेस पे, बैक पे, बटक्स पे, बेली पे, ठीक है, जिसको हम लोग हिरोसिटिज़म बोलते हैं। तो फीमेल हमारे पास एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के साथ
भी प्रेजेंट करती है, बिकॉज ऑब्वियसली बॉडी में बहुत ज़्यादा एंड्रोजेंस सिक्रीट हो रहे होते हैं, हमारी ओवरीज बहुत ज़्यादा एंड्रोजेंस प्रोड्यूस कर रही है, विच कैन लीड टू इंक्रीज हेयर ग्रोथ. इसके अलावा इंक्रीज एक्नी चांसेस, ठीक है, क्योंकि एंड्रोजेंस हमारे पास ऐसे बॉडी में हॉर्मोन्स हैं विच इंक्रीजेज द सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीशन अंडर आर स्किन विच इज़ अ मेन कॉज ऑफ एक्नी, तो एक्नी प्रोवोक करवाती हैं. इसके अलावा हमारे पास फीमेल टाइप हेयर बाल्डनेस हो जाती है इस सिंड्रोम में, ठीक है, जो फीमेल है वो बाल्डनेस भी हो सकती है उनको फीमेल पैटर्न की. इसके अलावा वेट गेन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वेट गेन होता है और बहुत चेंजेस आती हैं और डार्कनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है, जो हमारे बॉडी के क्रीजेज होते हैं जैसे नेक होगी, ग्रोइन होगी, वो एरिया बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है. और PCOS की जो हमारी फीमेल्स हैं वो मोस्टली ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस जो है हेडेक भी फेस करती हैं. सो ये सारी हमारे पास सिम्टम्स हैं जो कि PCOS से एक फीमेल में होती हैं. अब चलते हैं टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ PCOS, के PCOS को ट्रीट कैसे किया जा सकता है और ये जितने भी सिम्टम्स हैं इनकी सिवेरिटी को आप माइल्ड की तरफ कैसे ला सकते हैं और अपना किस तरह से आप नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रिकवर कर सकते हैं. हमारे पास जो पहला पॉइंट आ जाता है दैट इज़ द यूज़ ऑफ मेडिकेशंस, ठीक है, आपका जो डॉक्टर होगा वो आपको सर्टेन मेडिकेशंस देगा. अब उन मेडिकेशंस में आपके पास जो है एंटी एंड्रोजेंस आ जाते हैं, जो कि एंड्रोजेंस जो बॉडी में बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं वो कम सिक्रीट हों, तो ऐसी मेडिकेशंस देंगे. इसके अलावा वेट लॉस की मेडिकेशंस देंगे जिसके अंदर हमारे पास मेटफॉर्मिन आ जाते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में हम लोग देते हैं, तो वो हम लोग देंगे ताकि आपका वेट नॉर्मल एक रेंज में आ जाए और आपकी जो सिम्टम्स हैं ये कम हो सकें. इसके अलावा आपका जो डॉक्टर है आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स भी दे सकता है, देगा, ताकि आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो नॉर्मलाइज हो जाए और आपको नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रिकवर हो जाए. इसके अलावा जिन फीमेल्स में डिफ़िकल्टी हो रही होती है टू कंसीव और इनफर्टिलिटी इश्यूज हो रहे होते हैं, तो योर डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब यू द फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है, जो कि आपकी फर्टिलिटी के चांसेस को इन्हांस करेगा. उसमें क्लोमिफीन आ जाता है. और इसके अलावा जो ऑप्शन है वो हमारे पास सर्जरी है जिसके अंदर ओवेरियन ड्रिलिंग है. जो क्लोमिफीन और जो ये सर्जिकल ड्रिलिंग है ये आपकी फर्टिलिटी के चांसेस को ज़्यादा करती है और आप कंसीव फिर कर सकते हैं इजीली. नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ट्रीटमेंट में आ जाता है दैट इज़ ओवरऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. एंड ये सबसे पहले जब भी कोई PCOS की फीमेल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेगी तो आपकी डॉक्टर जो होगी, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट होगी, हमेशा आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएगी. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप अ गर्ल और अ फीमेल हैज़ टू डू, हैज़ टू अडेप्ट. वो क्या है कि आपने अपनी डाइट में हेल्दी फूड इनटेक लेके आना है, ठीक है, जिसमें फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स होगी, अच्छी हाइड्रेशन हो गई. इसके अलावा प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वीक में 5 दिन आपने एक्सरसाइज करनी है. फिजिकल एक्टिविटी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो, आपका सांस फूले. ये नहीं कि मैं एक्टिव हूँ जी, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई, मैं सारा दिन घर में काम कर रही होती हूँ. दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड अ फिजिकल एक्टिविटी. योर फिजिकल एक्टिविटी मीन्स जिसमें आपका सांस तेज़ हो, आपका सांस फूले. सो दिस इज कैटेगराइज्ड इन फिजिकल एक्टिविटी. तो आपने फिजिकल एक्टिव होना है, अपनी डाइट मॉडिफाई करनी है, और अगर आप ओबीज हैं, अगर आप मोटे हैं और आपका वजन जो है वो नॉर्मल BMI के रेंज में नहीं आ रहा, हमारा नॉर्मल BMI 18-25 है, अगर वो 25 से ज़्यादा आता है तो दिस शोज दैट यू आर ओबीज. तो आपने अपना बॉडी वेट उस नॉर्मल BMI के अंदर लेके आना है. दीज 3 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो इन योर लाइफस्टाइल ताकि आपकी जो सीवियर सिम्टम्स हैं PCOS के वो माइल्ड की तरफ चले जाएं, नॉर्मल चले जाएं, एंड यू कैन लीड अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ. तीसरा वो ही आ जाता है हमारे पास कि अगर एक फीमेल को डिफ़िकल्टी हो रही है इन गेटिंग प्रेग्नेंट और टू कंसीव, तो ऑब्वियसली शी कैन गो फॉर सर्जरी जिसके अंदर हमने ओवेरियन ड्रिलिंग, ओवेरियन लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग आ जाती है कि जो आपकी फर्टिलिटी के जो चांसेस हैं उसको इंक्रीज करवाती है, ठीक है, और आपके जो अनमेच्योर्ड एग्स होते हैं इन द सैक्स उनको मेच्योर करवा के ओवुलेट करवाने में मदद करती है, तो आपकी जो फर्टिलिटी के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. सो दीज आर ऑल द स्टेप्स जो कि आपकी PCOS की ट्रीटमेंट में एक फॉलो करेंगे एक लाइन में. इसके अलावा ट्रीटमेंट में आपकी जो हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है उसके लिए आपकी जो है हम लोग एंटी एंड्रोजेंस तो दे ही रहे हैं, उसको भी करेंगे. इसके अलावा आप लेज़र थेरेपीज की तरफ भी जा सकते हैं, फेस लेजर्स करवा सकते हैं टू गेट रिड ऑफ एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन योर फेस.
अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है व्हेन यू नीड टू सी अ डॉक्टर। आपको कब ये ज़रूरत फील होगी या हो रही है कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए फॉर कंसल्टेशन। नंबर वन, या तो आपको PCOS के जो सिम्टम्स हैं जो कि मैंने आपको अबव बताए हैं वो बहुत ज़्यादा सुवेयर सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो तब आपको ज़रूरत है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सेकेंडली, अगर आप 12 मंथ एक्सीड कर गई हैं और आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं मगर आप स्टिल कंसीव नहीं कर पा रही, देन यू नीड टू सी योर डॉक्टर टू गेट अ प्रॉपर प्लान टू गेट प्रेग्नेंट। तीसरा, इफ़ यू आर हैविंग सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज टाइप 2, इंक्रीज थर्स्ट हंगर, तो तब आपने अपने डॉक्टर को देखना है। चौथा, इफ़ यू आर हैविंग इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, मतलब स्किप हो रहे हैं पीरियड्स और बहुत बहुत टाइम तक नहीं आ रहे और स्किप हो रहे हैं पीरियड बट स्टिल यू आर नॉट प्रेग्नेंट, तो तब आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। होप सो ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रही होगी और बहुत से लोगों के पॉइंट्स क्वेरीज क्लियर हुई होंगी और होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब द जच्चा बच्चा चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू गायनी, ऑब्स, डर्मा, पीड्स, तो आप जच्चा बच्चा की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे नंबर मेंशनड है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और घर में ही बैठे अपनी कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।